खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पीएम मोदी के रोड शो के रूट का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हैरानी जताई है। जबलपुर के अंदर आयोजित है जी, जबलपुर में इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा पूरा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री की भेंट करने आए थे व्यवस्था देखने के लिए। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी यहाँ पर हैं जी। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर जबलपुर संस्कार धानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है और 7 तारीख को इतिहास बनेगा रोड शो के माध्यम से। और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतने का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य के जबलपुर की संस्कार धानी से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास तो बनेगा ही, देश के अंदर भी। खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया? चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर में स्टार प्रचारकों के आने का दौर शुरू हो चुका है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों की एक एक बैठक कंट्रोल रूम में ली गई। जबलपुर में व्यापक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अन्य जिलों से भी फोर्स जबलपुर में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी। जबलपुर में सेल्स टैक्स ऑफिस के पास से फायर आर्म्स सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल एवं 3 कारतूस जब्त कर कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर थाना एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देते हुए व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 54 वर्षीय कोमल चंद जैन ने लोकसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र द्वारा घर से मतदान किया। श्री जैन के लॉर्डगंज स्थित निवास पर मतदान दल आज सुबह लगभग 11:30 बजे उनसे और उनके धर्मपत्नी 91 वर्षीय श्रीमती ताराबाई से मतदान कराने पहुंचा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जैन ने इस अवसर पर दिव्यांग और वयोवृद्ध मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सराहना की है। 94 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, मैं 1942 गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। आंदोलन भाग भी लिया और आंदोलन के दौरान जेल में गया और वहाँ रहा और आज घर में आकर चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोग जा नहीं सकते वहाँ मतदान केंद्रों में, इसलिए घर पर आकर मतदान चुनाव आयोग ने कराने की व्यवस्था की है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम सारी जनता से अपील करते हैं कि इस मतदान में जरूर शामिल हो, ये राष्ट्रीय महापर्व है। मेरा नाम ताराबाई है, मैं 91 साल की हो गई। मैं वोट वहाँ नहीं जा सकती वोट डालने, इसलिए सरकार ने चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि घर से वोट डलवा रहे हैं और ये अपना बिल्कुल स्वाभाविक हक है कि अपन को जरूर मतदान करना चाहिए। कितनी भी व्यवस्था हो सरकार व्यवस्था करती है और अपना हक है, जिम्मेदारी भी है कि अपन को जरूर वोट देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर आगमन से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीएम यादव ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति पीएम मोदी जबलपुर में होंगे। आम जनता और कार्यकर्ता सब मिलकर उनका इंतजार कर रहे हैं। जितनी अच्छी तैयारी उनके स्वागत के लिए हो सकती है वह हम कर रहे हैं। रोड शो के लिए यह रोड छोटा होगा और वह जनता के दिलों में राज करके जाएंगे। पूरा देश तो क्या दुनिया मोदी जी के व्यक्तित्व से परिचित है और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे मौके पर पूरा देश और जागरूक जरा भी कोई राजनीतिक दृष्टि से होगा वो सोच सकता है कि आने वाला भविष्य भाजपा का है, माननीय मोदी जी का है। और अब तो लोकसभा में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया था कि अब की बार 400 पार, तो मुझे इस बात का
बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि खास करके पूरा प्रदेश हमारा मोदी में हो चुका है। हम तो अपने प्रदेश की बात करें, हमारे अपने शुभंकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बार फिर 29 की 29 लोकसभा जीती।